सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप भाइयों के समक्ष एक साथ काफ़ी सारी भैंसे लेके हाजिर हैं, क्योंकि मोस्टली जो वीडियोस हैं वो एक एक दो दो भैंसों की होती है, लेकिन इकट्ठा पशुधन अगर आप भाइयों को एक साथ देखने को मिले तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि एक अच्छे पशु को सिलेक्ट करने में, एक अच्छी भैंस जो है हम कहीं सिलेक्ट करने का मौका मिलता है एक साथ काफ़ी सारी भैंसें हो तो। और लगभग हर तरह के पशु आपको देखने को मिले तो एक नॉलेज बढ़ती है, जिसमें हम एक पशु का आंकलन कर सकते हैं कि कौन सा पशु या किस रेंज का पशु लेना है। तो जो भी भाई इस कवरेज को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे रेगुलर वीडियोज़ के लिए। साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि वहाँ भी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो सबसे पहले जो व्यूवर नए जुड़े हैं मैं फिर से बताना चाहूँगा, आज हम दोड़ू भाई के फार्म से लेके आ रहे हैं। लगभग पाँच छः भैंसें रूटीन से इनके पास रहती हैं और हर प्रकार के आपको पशु मिलेंगे, वो डेयरी के पर्पज़ के शौकीनी या बात करें अच्छी जो मिल्क लाइन की भैंसें इनके पास आई हैं। लगभग 25 किलो दूध तक ये ऑनलाइन लाइव भी तोल चुके हैं वीडियोज़ में। तो इनका जो गांव है सेरिया डिस्ट्रिक्ट जज्जर, जब भी जज्जर के पशु दिखाएं आप मान सकते हैं प्रेजेंट में आल हरियाणा सबसे टॉप में जज्जर ज़िले के पशु लगभग चल रहे हैं, जो एक किसान होते हुए बड़े बड़े कंपटीशन लड़ने के हौसले भी रखते हैं। तो आज दोड़ू भाई से मिलवाएंगे और एक एक भैंस के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मुझे मेरे फार्म पाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भाई, और अपने व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं देता हूं भाई। धन्यवाद जी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। जी जी, तो अभी नए साल में मैं कहूंगा 2022 में एंट्री हो चुकी है और दोड़ू भाई ने आप सभी भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि जो पशुपालक जुड़े हुए हैं सभी खरीदने या बेचने वाले नहीं होते, शौकीनी जो पशु देखने के लिए भी काफी भाई जुड़े रहते हैं। तो भाई साहब आज कितनी भैंसे दिखा रहे हो? आज 3 है भाई साहब। तो शुरुआत में पहले नंबर पे भैंसे, क्या कुछ जानकारी? दूसरे ब्यात में भाई साहब। जी, पहले ब्यात में 16 किलो दूध निकाल रखा है। जी जी, बच्चा कटड़ा है भाई साहब। कितना टाइम हो गया बच्चा जी? 6 दिन की ब्याई है भाई साहब। दूध कितना है आज? दूध पूरा दूध बताऊं को थोड़ा ही बता दे, मुझे इतना है उतना आप जो कोई 17 किलो दूध तो लगे ले गया आधा भाई साहब इसको। अच्छा अच्छा, कल रात को उतरी अपने पास। एक बार खोल लो इसको, थोड़ी चला के दिखा दो। 6 दिन की ब्याई हुई है और 17 तोल के लेके आए हैं आप मान सकते हैं। आज मुख्य 14 किलो दूध जी, जी। तो एक बार अप डाउन कर देती है, 14 किलो दूध इनका कहना है। अभी इसमें तैयार है, ये देख सकते हैं आप जो ऑर्डर की क्वालिटी है, सींग साफ सुथरी, नीचे से आप ये थन देख सकते हैं इसके, एक इस टाइप का लेवा हम इस भैंस का कहेंगे, जो लगभग इस तरह की भैंसे हैं दूध निकालने में सक्षम रहती हैं। तो अभी आपका क्या मानना है, कितना दूध निकाल देगी भाई? अगले ने बताया था 22-23 किलो दूध की। जी जी, 19 किलो दूध की ओट ले लूंगा भैंस की। साथ में बच्चा क्या है इसके? कटड़ा भाई, कटड़ा। और रेट? रेट मौके पर कराएंगे भाई, मौके का रेट होगा। लगभग बीच में वीडियोस में आपने रेट किया है इसलिए बार बार पूछ लेते हैं। तो आगे दूसरे नंबर वाली भैंस के बारे में बताएं। ये दूसरे ब्यात की मुंह से 6 दांत था भाई। जी जी, आज 10 दिन की ब्याई होगी। जी, 12-13 किलो दूध आज मौके पर तैयार है भाई। इसके साथ में कटड़ी है? हाँ, कटड़ा, कटड़ी, कटड़ी एक के साथ में कटड़ी है ना, वो काफ देखे थे मैंने, कटड़ी है भाई। 6 दांत है मुँह से? हाँ, मुँह से 6 दांत है भाई साहब। आज कितना दूध है अभी? मैं तो 13 किलो निकाल रहा हूँ लेकिन 12 बता रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, 1 किलो दूध कम बता रहे हैं। सींग क्वालिटी साइज नीचे से जो थनों में आपको एक बार करीब से, एक थन छोटा बड़ा पड़ा हुआ 19-20 का, नॉर्मल सा एक थन है वो साइज में छोटा बड़ा है। दूध बराबर है? दूध बराबर है, दूध बराबर है। और ये देख सकते हैं दोनों साइड से इस पशुधन को दिखा रहे हैं क्लियर, साथ में दोनों के काफ सामने है। मोस्टली जो सर्दी के टाइम में बच्चे हैं वो पशुओं के डेड हो जाते हैं, इसलिए बार बार मैं सभी सोशल वर्कर हैं उनसे भी यही कहूंगा कि काफ जरूर दिखाएं, क्योंकि पेमेंट इन्वेस्ट करने वाला लगभग वीडियो पे पूरा। अच्छा भाई साहब, अगले ने बताया था ना सरकारी सिमन दरबार, उस दूसरी भैंस की वो कटड़ी है? हाँ, ये कटड़ी है, उसकी पहले नंबर वाली की कटड़ी है, इसका कटड़ा है, तांदुआ साथ में बिल्कुल ताजी सुई हुई है। और रेट इसका भी मौके का ही होगा? मौके का कराएंगे भाई साहब, यह भी उम्मीद को 16-17 किलो दूध की उम्मीद है भाई साहब। जी जी, तो आगे एक काफी हैवी साइज की भैंस हम कहेंगे इसको, इसकी क्या कुछ जानकारी है?
ये भाई साहब 20 किलो की गारंटी पा रही है अपना। अच्छा अभी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, 15 दिन बाकी है अभी जी। और ये देख मीट बहुत अच्छी है इससे भैंस। जी जी, एक बार इसको खोल के थोड़ी चला लेना। तीसरी बार काविंग करे, कितना टाइम बाकी है अभी? 15 दिन। 15 दिन का टाइम बाकी है और 20 किलो दूध की गारंटी पे इन्होंने ये जिस पशुपालक से ली है उनका कहना है कि 20 किलो निकालेगी। नीचे की बहुत ही साफ सुथरी, ये देख सकते हैं आप करीब से, जो थनों में स्पेस वगैरह टाइम के हिसाब से बन के आएगी तो काफ़ी अच्छी। एक बार नीचे से जो हम इसका अडर का साइज है वो देख सकते हैं, ये देखिए प्रेग्नेंट भैंसें भी ले आते हैं। और फिर इसको बच्चा देने के बाद सेल करना है या पहले ही सेल करोगे भाई? पैसे लग गए तो पहले सेल कर देना, बच्चा देने दूध तैयार होने के बाद देंगे। जी जी, तो लास्ट में ये एक इसी का कटड़ा है भाई साहब। इसी का कटड़ा है, इसका पिछले बार का कोई रिकॉर्ड भी है इस भैंस का भाई साहब? घर पर तोला था उन्होंने 20 किलो दूध। जी जी, तो कितनी एज है इस कटड़े की? ये 12 महीने का हो गया भाई। 12 महीने का, और दूध इसकी मदर का 20 किलो अगर दूध कंपटीशन में तोल दिया ना तो कटड़े की कीमत बहुत अच्छी बनेगी। जी, बारह महीने की एज में आप देख सकते हैं जो एक बनावट शरीर में होनी चाहिए काफ की, बिल्कुल छोटा सींग और टेस्टिकल इसके आप देख सकते हैं, जो बड़े मैच्योर मैच्योर बुल हैं उनके भी नहीं मिलेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखो क्योंकि एक अच्छी भैंस जो अडर का साइज भैंस का आपको दिखाई पड़ रहा है उसी हिसाब से शेप इस कटड़े की सारी अच्छी है, बिल्कुल जेड ब्लैक कलर का टेल, नीचे से लगभग 2-3 इंच व्हाइट होगी। अच्छा सीमन का, सीमन का नंबर भी बता देता हूँ मैं। अच्छा सीमन का पता है नंबर का? हाँ नंबर का पता है भाई। जी जी, ये देखिए बिल्कुल छोटे से छोटा सींग, अभी 12 महीने की एज आप मान सकते हैं। तो जब कटड़ा मैच्योरिटी में लगभग 3-4 साल पे जाके आता है तो तब तक आप अच्छी ग्रोथ मान सकते हैं। आज सीमन का दौर है, सीमन के पीछे पशुपालक भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नेचुरल जो नेचुरलिटी है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं और उसी का हर्जाना पशु लगभग मोस्टली रिपीटर रहते हैं और एक बहुत बड़ा लॉस जो किसान को होता है। जो भाई 10 भैंसें या मैं कहूँगा इस 8-10 भैंसें या ऊपर रखता है वो एक बुल ज़रूर लें, क्योंकि एक अच्छे दूध वाली भैंस का कटड़ा आप सालाना लगभग 2-3 पशु 4 पशु इतनी बड़ी डेयरी से। नंबर बता दीजिए। 5527 5527 HLDB का, HLDB का शायद ये। जी जी, बाकी तो, मैंने सर्च नहीं किया लेकिन इसकी फुल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से लेके पूरी बता दूंगा। जी जी, तो कटड़े का रेट बताना चाहेंगे? नहीं, कटड़े का मुख्य कराएंगे भाई साहब, अच्छे पालने वाला हो ना उसको देंगे भैंस के साथ। जी जी जी, तो एक बार अपना संपर्क नंबर जरूर बताएं। 9050 9096 9086 53 8853। एक बार मैं फिर से सभी भाइयों को बताना चाहूँगा आप इस काफ पे फोकस जरूर करें, क्योंकि सीमन के कारण लगभग पशु हमारे हैं वो रिपीटर होते जा रहे हैं, सभी भैंसे कंसीव नहीं कर पा रही एक सही हिट का मेंटेन। नेचुरल जो मीटिंग होती है भाई पशु की वही कामयाब ज्यादा रहे। बिल्कुल, तो अच्छी भैंसों के पीछे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं सब बुलों को तैयार नहीं करते, क्योंकि आज जो प्राइवेट फेमस बुल हैं उन्होंने नॉर्मल जो बुल रखने वाले हैं उनको अच्छा अच्छा कटड़ा रखा है बढ़िया। नहीं भाई, आज के दिन जितना है ना उतना बढ़िया है, आगे का तो देखो रिजल्ट क्या दे, लेकिन फिलहाल जो इसका जितना भी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है काफी शानदार है। तो कोई भी भाई इन पशुओं में से इनसे खरीदना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, इनका मोबाइल नंबर रेगुलर चल रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।